हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ वेजिटेरियन किचन। पोहा तो आप सभी ने खाया ही होगा। हमारे इंडिया में तो इंदौर और महाराष्ट्र स्टाइल का पोहा बहुत फेमस है, पर आज हम इसे पंजाबी स्टाइल में बनाने जा रहे हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करें। सबसे पहले मैं आपको इसके इंग्रेडिएंट्स समझा देता हूँ, तो चलिए शुरू करें। पोहा बनाने के लिए हमको चाहिए टर्मरिक पाउडर, रेड चिली पाउडर, आमचूर पाउडर, गरम मसाला और सॉल्ट। सब्जियों में हमने लिया है 2 उबले कटे आलू, 1 बारीक कटी शिमला मिर्च, 1 बारीक कटा प्याज, 2 लंबी कटी हुई हरी मिर्च, गार्निशिंग के लिए धनिया और 2 कटे हुए नींबू। इसके बाद हमने लिए हैं 2 टेबलस्पून सरसों के दाने, अगर आपके पास ये ना हो तो आप राई भी यूज़ कर सकते हैं, 2 टेबलस्पून कच्ची मूंगफली, 100 ग्राम पोहा, थोड़ा सा कड़ी पत्ता और 2 टेबलस्पून ऑयल। पोहा बनाने के लिए सबसे पहले हम एक छाननी में पोहे को डालकर अच्छी तरह से पानी से धो लेंगे। याद रखें कि आपको इसको रनिंग वाटर में ही धोना है, आप इसको पानी में भिगोकर ना रखें। अगर आप ऐसा करेंगे तो ये बहुत सारा पानी सोख लेगा और ये बिल्कुल भी दानेदार नहीं बनेगा। आप देख सकते हैं हमारा पोहा अच्छी तरह से धुल चुका है। अब हम इसका मसाला तैयार करते हैं। सबसे पहले एक पैन को स्लो फ्लेम पर गर्म करें और उसमें 2 टेबलस्पून ऑयल डाल दें। फिर इसमें 2 टेबलस्पून कच्ची मूंगफली के दाने डालें और इसको रोस्ट करें। जब ये अच्छी तरह से रोस्ट हो जाए तो इसमें 2 टेबलस्पून सरसों के दाने या फिर राई डाल दें। जब हमारी मूंगफली के दाने और सरसों अच्छी तरह से रोस्ट हो जाए तो इसमें 1 बारीक कटा प्याज, 2 लंबी कटी हरी मिर्च और कड़ी पत्ता डाल दें और इसे अच्छी तरह से पकाएं। हमें प्याज को हल्का हल्का कच्चा ही रखना है ताकि इसके अंदर का जूसी फ्लेवर बना रहे। फिर इसमें 2 उबले कटे आलू और 1 बारीक कटी शिमला मिर्च डालकर 2 टीस्पून हल्दी पाउडर डालें और इसे अच्छी तरह से पकाएं ताकि हल्दी में बिल्कुल भी कच्चापन ना रहे। जब सब्जियां अच्छी तरह से पक जाएं तो इसमें 2 टीस्पून सॉल्ट, 1 टीस्पून रेड चिली पाउडर, 2 टीस्पून अमचूर पाउडर, 2 टीस्पून गरम मसाला पाउडर डालकर इसे अच्छी तरह से मिक्स करें। इसमें सारा पोहा डाल दें और इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लें। अब इसमें 1 नींबू का रस निचोड़कर डाल दें और फिर इसे अच्छी तरह से 2 मिनट तक पकने दें। अब हमारा पोहा बनकर रेडी है। अब हम इसे धनिया डालकर गार्निश कर लेंगे और इसे एक प्लेट में निकाल लेंगे। आप देख सकते हैं हमारा पोहा कितना अच्छा लग रहा है। अब आप भी इसी तरह से पंजाबी स्टाइल में पोहा बना सकते हैं। अगर आपको हमारी रेसिपी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ ही साथ बेल आइकन को भी दबा लें। तो मिलते हैं आपको इसी तरह से अगली रेसिपी वीडियो में। टिल देन, शब खैर, बाय बाय।